एक्सप्लेन द आंसर टू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन, वट आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, गिव एग्जाम्पल. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं? आंसर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर एबल टू सप्लाई एनर्जी ऑफ द मिलियन ऑफ द ईयर सच एज सन, टाइड्स एंड द विंड. यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मैंने अभी पहले बताया है कि कुदरती जराए यानी जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं, सूरज की रोशनी और हवा, इनसे जो हम जो है वो बहुत सी तवानाई पैदा करते हैं, जैसे कि बिजली की तवानाई पैदा करते हैं इनको इस्तेमाल करके, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं. नंबर टू, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सोलर सेल्स, यानी सोलर सेल्स क्या हैं. सोलर सेल्स प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोलर सेल्स जो है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन थोड़ी अमाउंट की बिजली प्रोड्यूस करते हैं. वैन लैंड शेड, वो भी इस वक्त जब सूरज की रोशनी पर पड़ती है. दिस मीन्स दैट लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा सोलर सेल्स की ज़रूरत है बिजली जो है वो मुफीद बिजली पैदा करने के लिए. क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्क्राइब द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाउ इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वो पावर स्टेशन होते हैं जिसके लिए पानी को जखीरा किया जाता है, डैम्स लगाए जाते हैं, फिर उनको कनेक्टेड कर लिया जाता है जनरेटर के साथ और फिर बिजली प्रोड्यूस करके सप्लाई किया जाता है. अब मैं इसको पढ़ूंगी. फास्ट फ्लोइंग वाटर कैन बी यूज टू ड्राइव टरबाइंस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. यानी कि पानी की तेज़ रफ्तार को जो है इस्तेमाल किया जाता है ताकि पंखे चलें और जिनको कनेक्ट कर दिया जाता है जनरेटर्स के साथ और फिर बिजली प्रोड्यूस की जाती है. इसको ऐसे प्लांट्स को जो है ऐसी जगहों को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहते हैं. एज हाइट एंड फ्लो फास्टर, पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है, एज हाइट एंड फ्लोज फास्टर, पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो वाटर इज लूजिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. तो वो अपनी ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खो देता है, गेनिक काइनेटिक एनर्जी उसको हासिल हो जाती है. एज द वाटर पासेस थ्रू द टर्बाइन, जैसे ही पानी टर्बाइन यानी पंखों से गुजरता है, टर्बाइन रोटेट, टर्बाइन चलते हैं, ड्राइविंग जनरेटर्स और जनरेटर्स को वो चलाता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लड फार्मलैंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्योंकि पानी से प्रोड्यूस की जाती है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत है और इससे जो है वो फ्लड सैलाब भी आ सकते हैं फार्मलैंड्स में. तो ओके क्लास, आपने ये क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग जो है अच्छी तरह से फाइल पर नोट करने हैं और इनको अपनी नोटबुक पर लिखना है. कीप केयर, अल्लाह हाफिज़.